हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन आज का वीडियो एक हेल्थ से रिलेटेड वीडियो है कि किस तरह से इन दिनों में आप अपने बॉडी को मेंटेन रखें, किस तरह से ये जो बीमारी वायरल हो रही है हम उससे बच सकें। मैं यहाँ पे उस बीमारी से रिलेटेड आपको कोई भी दवाई या मेडिसिन नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको उससे बचने का तरीका बता रही हूँ। कल या परसों में मैंने आपको इम्यूनिटी बढ़ाने का एक तरीका बताया था कि किस तरह से आप अपने रोग प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और उसमें बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे कि सुगम, आपने उसमें नाम तो लिया है कच्ची हल्दी का और आप उसमें अदरक डाल रहे हैं, लेकिन वो अदरक नहीं, वो कच्ची हल्दी थी, बिकॉज ऑफ मैंने उसे फ्रीजर में स्टोर किया था रॉन्ग टाइम से। और अब भी जानते हैं कि इस सीज़न में आपको हल्दी, कच्ची हल्दी नहीं मिलेगी, वो अक्टूबर नवंबर में मिलती है, तब से मैंने उसे स्टोर किया था। तो वो फ्रिज से निकालने के बाद आई थिंक उसका कलर ऐसा हो गया था, वरना वो हल्दी ही थी। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहती हूँ पहले, और पर्टिकुलर एक एक को आंसर करना नॉट ईजी फॉर मी, इसलिए मैंने वीडियो में आके जानकारी दी। तो इसके वो तो आपको लेना ही लेना है ड्रिंक, साथ ही साथ आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ बताऊंगी, क्योंकि आपको इस बीमारी से लड़ने के लिए अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत अच्छी रखनी है। और अपने गले से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, जिनको सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा होता है, जिनको कफ से रिलेटेड दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, जिनका जो गले में खराश रहती है, यानी कि इस समय हमें अपने गले को भी पूरी तरह से स्वस्थ रखना है, उसका भी इम्यूनिटी बढ़ानी है, किसी तरह से गले में कोई भी दिक्कत ना हो, उसके लिए मैं आज आपके लिए एक चीज़ लेके आई हूँ, जिससे कि अगर इन दिनों पूरे टाइम जब तक ये बीमारी चल रही है, इन दिनों रेगुलर आपको करना है, और ये आप कर सकते हैं, आपके बच्चे कर सकते हैं, आपके हस्बैंड कर सकते हैं, मतलब जिसको मैं बोल रही हूँ वो हर कोई कर सकता है। और एक चीज़ मैं और बताऊंगी, दो चीज़ बताऊंगी, दोनों चीज़ों का पालन आपको इन दिनों करना है, जिससे कि आप इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी रहेंगे, क्योंकि हमें इस चीज़ के लिए पूरी तरह से रेडी रहना है। और एक अपील मैं आपसे ज़रूर करना चाहूंगी, घर पे रहिए, सेफ रहिए। हम लोग भी आके एक ऐसी जगह फंस गए हैं, फंस तो नहीं कहूँगी, है तो ये हमारा ही घर, लेकिन इसका वीडियो आपको मेरे न्यू चैनल पर मिलेगा कि हमने एक न्यू घर लिया है, न्यू घर पहले नहीं, बहुत पहले से लिया हुआ है। वहाँ पे आके हम थोड़े दिन रुकने की बस एंजॉय करने आए थे, लेकिन ऐसा लॉकडाउन हुआ कि हम यहीं पे फंस गए हैं। तो इसका वीडियो भी आपको मेरे न्यू चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको चाहिए हल्का सा गुनगुना पानी, और आपको क्या करना है, दिन में दो बार गरारे करने हैं। तो इसमें आप डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। तो जिनको हल्दी सूट करती हो, ये आपके इम्यून पावर को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करेगी, साथ ही साथ आपको इससे गुनगुने पानी के साथ दिन में दो बार गरारे करने हैं। जिनको हल्दी सूट नहीं करती है, वो सेंधा नमक डाल के गरारे करेंगे। तो दोनों चीज़ों में जो चीज़ आपको सूटेबल लगे, अगर हल्दी का पानी या फिर नमक का पानी, दोनों चीज़ों में जो चीज़ आपको सूटेबल लगे उस चीज़ से आप गरारे करिए, लेकिन दिन में दो बार। गला स्वस्थ रहेगा तो कोरोना वायरस पूरी तरह से भाग जाएगा, इम्यून पावर स्ट्रांग रहेगी, अगर आपको है भी तो वो पूरी तरह से निकल जाएगा। तो इन दोनों उपायों को करके आप अपने गले को स्वस्थ रख सकते हो, किसी तरह का कफ कोल्ड मत होने दीजिए, और ये उससे भी आपको दूर रखेगा। तो इन दोनों चीज़ों का उपाय आपको करना है, जिससे आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें, और मेरी भी यही कामना है, पूरी तरह से स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें। सो फ्रेंड्स, देखा, ये दोनों चीज़ आपको करनी है, पूरे दिन आपको गर्म पानी पीना है, अपने बच्चे को हो सके तो गर्म पानी चम्मच में करके पिलाइए, और आपको हल्दी वाले पानी से गरारा करना है, सेंधा नमक डाल के गरारा करना है, जिस भी चीज़ से आप उचित समझो, जिस भी चीज़ के लिए आप रेडी हो, आपको वॉमिटिंग ना आए, जो चीज़ आपके लिए सुटेबल हो आपके माउथ के लिए, उन दोनों चीज़ों से करना है। और इससे क्या है कि आपका गला बहुत स्वस्थ रहेगा, किसी भी तरह की बीमारी गले में नहीं लगेगी, और इस चीज़ के लिए हमें लड़ना है, पूरी तरह से रेडी रहना है। तो इन छोटे छोटे उपायों को करके आप बहुत ज़्यादा फिट रह सकते हो, हेल्दी रह सकते हो, और इस बीमारी को अपने घर से दूर रख सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।